धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, लड़ाई होती है लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का बात की बात है, राम भगवान राम की बात है, भगवान राम हमारे इष्ट देव है, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारा मंदिर में, वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है राम मंदिर में, वहां के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग वो परिवार के लोग। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उनको ठुकरा देगी, नहीं सब लोग विरोध करेंगे, क्योंकि निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है, और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। भगवान राम को काल्पनिक वो पहले ही बता चुके थे, अब रामलला जब भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तब ऐसा उनका निर्णय निश्चित तौर से विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जैसे मैंने पहले कहा ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है, और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी, और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूँगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है, राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है, राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है, ये बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है, और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है, उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है, कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। जहाँ आना है और जिस प्रभु के कार्यक्रम में आना है उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, और ऐसी स्थिति में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर गए आप जिस जब अस्तित्व नहीं है तो आप किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे, इसलिए उनको और शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो शर्मिंदा न हो इसीलिए पहले कह दिया और आरोप लगा दिया कि वो राजनीति के कारण, सत्ता के लिए कारण यह अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें राजनीति है, हम लोग राजनीति से परे हैं, इसे जो राजनीति से परे हैं वो अपना सड़क पर घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो नकार दिया इस बात को उदारता तर्श का है कि उनको निमंत्रण नहीं दिया, और जानते हुए कि यह नहीं आएंगे, और इनको जब भगवान ही नहीं अनुकूल हैं, इनके उन्हीं को नकार दिए हैं तो आना नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सोनिया गांधी जी और जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया है, दुर्भाग्य की बात है। हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि ये कालनेमी वाले रूप धारण करने वाले कांग्रेसी कभी राम जन्मभूमि मंदिर भव्य दिव्य निर्माण से खुश नहीं है,
मेरा सवाल ये है इन लोगों से, क्या ये बीजेपी के इवेंट है क्या? आपने सीधे तौर पे कह दिया अर्धनिर्मित मंदिर और बीजेपी राजनीति करती है, बीजेपी ने आपको निमंत्रण दिया है क्या? आपको तीर्थ क्षेत्र ने निमंत्रण दिया, राम भक्तों ने निमंत्रण दिया, आपने राम भक्त के निमंत्रण को इस प्रकार से ठुकरा दिया। रहा न कुल कोई रोबनहारा, यश होगा हाल तुम्हारा। मुझको लगता है इस प्रकार की मानसिकता आपकी चाहिए बात नहीं है और विश्वास है आपके ऊपर। क्यों? इसलिए विश्वास है क्योंकि आपने शुरू में ही भगवान राम को काल्पनिक कहा था, तो आप राम मंदिर में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि आपको राम जी बुला नहीं सकते, इसलिए आप आ नहीं सकते।